पूरा छत गिर गया है यार ये वाला, कितनी बुरी तरह से गिरा है। अरे बाप रे, अभी गाड़ी फिसल जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई रोहित पे। आज का व्लॉग सिंपल सा, बहुत सिंपल सा होने वाला है। वैसे तो आप टाइटल में पढ़ ही लिए होंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ पे एक लड़का मेरा वेट कर रहा है, अगर मैं लेट करूँगा तो वो मुझको डांटेगा। तो फटाफट निकलता हूँ यहाँ से और वहीं पर मिलता हूँ, नहीं तो वो लड़का मुझको चिल्लाने लगेगा। यार मिलिए, वहीं पर मिलिए, हम खेरा रोड पर चल रहे हैं, बता दिया मैंने, मिलिए वहीं मिलिए। 214 मिलोनीगंज के लिए मुड़ना पड़ेगा, दमोह नाका सीधे, अमखेरा के लिए राइट लेना पड़ेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं अमखेरा रोड पे। अब यहां से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। अमखेरा के लिए सीधे जाएं बाईपास और मझौली, सारी चीज़ें आगे हैं। कभी हम इन रास्तों पे सुबह में आया करते थे, यहां पे मार्केट लगता है सुबह सुबह, सब्जी मार्केट। कभी ये रोड बहुत ख़राब हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल में बन गई है। अभी भी बहुत सारे सब्जी वाले लगाए हुए हैं, इतने दिन में भी वहाँ अंदर तक लगाए हुए हैं। समय आपको बताऊं, अरे इधर पे क्वार्टर्स ये सरकारी हैं क्या? लग तो रहा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स ही होंगे। 11:26 और दोपहर को भी यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। जनरली मेरे यहाँ जब भी सब्जी का बाजार करते हैं तो वो रात को ही किया जाता है, इसलिए मैं जब कभी भी दिन में देखता हूँ कि सब्जियाँ बिक रही हैं तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, मैं बोल रहा था ना कि यहाँ का रास्ता एक समय पे ख़राब था, यहाँ से शुरुआत शायद हो चुकी है, बनेगा कब अभी नहीं पता। अभी हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ से अमखेरा रोड लगभग 2 किलोमीटर और है, मतलब अभी हम लोग अमखेरा रोड पर ही हैं, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शायद ये रोड ख़त्म हो जाएगी। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस रोड पर पहली बार आया हूँ, और कहाँ तक ये रोड रहेगी और कहाँ से दूसरा एरिया लग जाएगा ये खुद मैं भी नहीं जानता। एक बात आपको मैं और बता दूं कि अभी मैं यहाँ आने से पहले पेट्रोल लिया, उतने समय मैंने कैमरा बंद कर दिया था, सिर्फ ऑन किया था जब पेट्रोल डलवा रहा था तभी। तो मैंने उसको बोला 214 रुपये का पेट्रोल डाल देना, क्योंकि 107 रुपये लीटर है। क्या ज़बरदस्त घर है यार, बहुत बड़ा है। तो जब उसने पेट्रोल डाला 214 रुपये का, तो मैंने उसको चेंज दिया, 200 दिया। उसके बाद काफ़ी बड़ा घर है, 4 रुपीज़ उसको मैंने चेंज दिया, तो बोलता है 5 का दीजिए सर, 4 रुपये कोई लेता नहीं है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मैंने बोला 5 रुपये तो नहीं है, तो बोला तो ठीक है, इसको आप रख लीजिए। फिर मैंने दिया ही नहीं उसको, मुझको फिर 1 रुपये का लॉस होता। मैं जानबूझ के नहीं दिया कि वो लोग कई बार पेट्रोल मारते हैं और हम लोग का लॉस करते हैं। मेरे पास 5 रुपये था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं दिया। गलत है ना भाई, लेना चाहिए 4 रुपये जब 107 रुपये है, 1-1 रुपये चल रहा है तो लो। उसके कहने के मुताबिक कि लोग नहीं ले रहे हैं। कैसे नहीं ले रहे हैं भाई, तुम दो ना, बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। रोड यहाँ की काफ़ी गड़बड़ है। जगह देखिए ना, पर्याप्त जगह तो है, चाहे तो इसको बना सकते हैं। दुकानें लेकिन अच्छी अच्छी हैं यार, बड़ी बड़ी। अरे राम, आस्था परिसर, न्यू रामनगर अमखेरा। अच्छा, रामनगर यहाँ पे है, मुझको पता नहीं था। इधर क्या है, चल के देख क्या है। घर ही घर होगा इधर, और क्या होगा। जगह देखिए ना यार, क्या ज़बरदस्त लग रही है। पेड़ पौधे इतने सारे लगे हैं, क्या मस्त लग रहा है ये, एक ही सलीके के। अच्छा, राजुल ड्रीम सिटी, यहाँ पे होंगे सारे फ्लैट्स में जो लोग रहते होंगे, सब यहीं रहते होंगे। अंदर जाके कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा बनाया है इसने भी, उसलिए ये सारे पेड़ पौधे लगाया है ताकि लुक अच्छा आए, नहीं तो ऐसे में लेगा कौन फ्लैट। अच्छी जगह है यार, मतलब अंदर एकदम शांति रहेगी और रास्ते की चहल पहल से दूर है, बढ़िया है। हर चीज़ के अपने कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। फ्लैट में ये है कि आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, लॉस ये है कि आप उसके ऊपर फिर बना नहीं सकते उतना। आप ज़मीन ले लीजिए, ज़मीन के ऊपर आप 2-3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट में आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक उसमें आपको जो भी 2 BHK 3 BHK मिलेगा उतना ही रहेगा, लेकिन आप उतना ज़मीन ले लीजिए, उसके ऊपर आप अपना मकान खड़ा कीजिए। अगर खुदा ना खास्ता कभी फ्लैट अगर टूट जाता है, तो फिर ज़मीन जिसकी है उसी को मिलेगा, आपका क्या हुआ उसमें, कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा लॉसेस हैं फ्लैट के। बाकी फ़ायदे हैं कि भाई अच्छे लोग रहते हैं, ज़्यादा आपको हल्ला गुल्ला वहाँ पर होगा नहीं, और भी 1-2 एडवांटेजेस होंगे। गाँव है ये एक प्रकार से, इसलिए यहाँ पे आपको खेती भी देखने मिल रही है।
पेट्रोल पंप। अरे बाप रे, अभी गाड़ी पे सज जाती बहुत खतरनाक है यार रोड संभल के चलाना पड़ेगा काफी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गिर जाएंगे, कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है। बरसात में तो यहाँ आने में हालत खराब हो जाएगी, कीचड़ रहेगा, फटाफट छींटे आएंगे आपके ऊपर, और अगर सामने कोई गाड़ी वाला है तो उससे भी बच के चलना पड़ेगा कि पीछे आपको छींटा ना मारे वो। क्योंकि हम लोग हैं अभी गांव में, तो गांव में तो खेती देखने मिलेगी, दुकानें भी अच्छी हैं। अरे हाँ, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी दुकानें, रॉयल टाइल्स एंड सैनिटरी, बढ़िया कांच वाँच लगा के रखा है, बाहर से देखने में लुक आ रहा है। घर देखिए आप, ये वाला पपीता का पेड़ भी अंदर लगाया हुआ है, अच्छा मकान बना है। झालर भी लटकाए हुए हैं वो लोग, रात को आने में ना लाइट जलेगी तो अच्छा दिखेगा। वो खेत में सिर्फ जुताई करके छोड़ दिए हैं शायद, अभी हो सकता है अभी दाना डालेंगे बारिश में, या फिर डाल दिए होंगे, मुझको अभी पता नहीं है। जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि शायद ये दाना अभी डल गया होगा, या फिर अभी दाना डालेंगे जब बारिश होगी। तो हनुमंत नगर है यहाँ पे, अंदर धान लगता है शायद बारिश में, बारिश जब होती है तो खेत में पानी भर जाता है तब धान की बुवाई की जाती है। गांव में ना, जब मैं बहुत छोटा था एक बार तो देखा था ये चीज़, तो मुझको याद है। हाँ देखिए, मैं सही बोल रहा था कि खेत की जुताई करके छोड़ दिए हैं। वो देखिए एक ट्रैक्टर है जो जुताई कर रहा है खेत की। सारे खेत में ऐसा ही हुआ होगा, ये खेत में तो पानी भर गया पूरा यार, तालाब टाइप का बन गया है। ये देखिए जिन ट्रकों की मैं बात कर रहा था ना, ऐसे ही ट्रक यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े, इसलिए ये रोड ख़राब हुई है। इस रास्ते से चलते हैं ना, थोड़ा ये वाला रास्ता सही दिख रहा है। वर्धमान इको सिटी, इसमें अगर लाइट लगा देते तो और अच्छा लगता। केजीएन मार्बल हाउस, 786 केजीएन हाउस। ओया, पूरा छत गिर गया है यार ये वाला, कितनी बुरी तरह से गिरा है, या फिर गिराया गया है, अपने आप कैसे गिर सकता है। जितनी रॉडें लगी थी सारी रॉड्स दिख रही हैं, बिल्कुल मुड़ गया है यार। यहाँ पे खत्म होती है अमखेरा की सीमा, जहां तक ये अब हाईवे रोड मिल गई है हमको। जी हाँ, ये हाईवे रोड ही होगी। यहाँ तकरीबन मैं आधे घंटे रुका हूँ और हम लोग इसी रोड से आए हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं मेरे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आप जाएंगे पनागर, सीधे जाएंगे तो आप निकलेंगे मझौली, और अगर इस तरफ जाते हैं तो ये पड़ेगा अपना जबलपुर। जबलपुर शहर जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से भी पड़ेगा, और यहाँ से भी पड़ सकता है। तो ये बाईपास है जबलपुर के लिए, राइट हैंड में पनागर के लिए, और सीधे मझौली के लिए। तो अभी घर निकलते हैं। अरे यार, इतनी देर से रुका था, पानी नहीं पिया मैंने। पानी पीता हूँ और फिर से इसी रास्ते से मैं घर निकलता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं डायरेक्ट घर पे। तो ये थी हमारी अमखेरा की रोड ट्रिप। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए यार, और अगर आप जबलपुर से हैं तो अपने सभी जबलपुरिया फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी फटाफट मैं बहुत जगह घूमने वाला हूँ, वीडियोज़ आपको मिलेंगी, मज़ा आएगा देख के। इस वीडियो में मज़ा आया हो या नहीं आया हो, आप इस चैनल की बाकी की वीडियोज़ देखिए। मैं जबलपुर को अभी कवर कर रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको देख के। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी रात हो गई है, फ़ोन भी बज रहा है, फ़ोन भी उठाऊँगा, बात करता हूँ और सोता हूँ। गुड नाइट, मिलो। अभी मैं घर जा रहा था तो मुझको ये बीच रास्ते में दिखा, देखिए जिसमें धान बुआई की बात कर रहा था वो यही है। क्या ज़बरदस्त हरियाली लग रही है, यहाँ से पानी चल रहा है और ये पूरा बो दिए हैं। ऐसे ही धान की बुआई की जाती है, पूरा पानी इसमें देखिए अब भर जाएगा। कब से बोरवेल चल रहा है, बोरवेल शायद उस तरफ से कहीं से आ रहा है पानी, और इसको पूरा भर देंगे। इसको जब जब लगाते हैं ना तो क्या मज़ा आता है, पूरे घुटने भर तक पानी रहता है और इसको लगाया जाता है। हवा चल रही है तो मस्त लहरा रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, हरा हरा। इस पर अगर आप लेटेंगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन लेटने में ये दब जाएगा। चलिए, मुझको खुशी हुई कि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो चीज़ आखिर मैंने आपको दिखाई दिया। इसके लिए मैं वापस आया हूँ, मैं इस तरफ चला गया था, घर जा रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं दिखा दिया जाए। हवा चल रही है तो क्या मस्त लग रहा है यार, लहरा रहा है एकदम, अलग अलग कलर का दिख रहा है।